चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। मई में कौन से ग्रह सिंह राशि वाले नौकरी पेशा और कारोबारियों पर अपना अच्छा और बुरा प्रभाव डालने वाले हैं, साथ ही सिंह राशि वालों को अपने कामकाज में सफलता पाने के लिए मई में किन चीजों से सावधान रहना होगा, आइए जानते हैं। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मई महीने में बृहस्पति आपके दसवें भाव में अर्थात आजीविका के स्थान में गोचर करेंगे। आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, लाभ या हानि को बृहस्पति प्रभावित करेंगे। नौवें भाव में शुक्र, सूर्य और बृहस्पति के होने से आपको लाभ मिलेगा। मन चाही सफलता मिलेगी, ट्रांसफर मिल सकता है, नई नौकरी मिलने के योग हैं। जहां काम करते हैं वहां उच्च पद भी मिल सकता है और सैलरी भी बढ़ सकती है। 14 मई को सूर्य के दसवें भाव में आने से आपको लाभ दोगुना हो जाएगा। सरकारी नौकरी करने वालों को काफ़ी लाभ मिलेगा। 19 मई को दसवें भाव में शुक्र का भी गोचर होगा। इस समय कार्यक्षेत्र में व्यर्थ की बातों पर ध्यान न दें और काम पर फोकस रखें। कारोबारियों के लिए भी समय शुभ है। शनि आपके कारोबार को मजबूती देंगे। विदेशी संपर्क से कारोबार का विस्तार होगा और मुनाफा बढ़ेगा। इस समय ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। तो अगर आपकी सिंह राशि है तो आप ये अच्छी से जान लीजिए कि आपको नित्य प्रातः उठ करके सूर्य को जल देना चाहिए। पूरे महीने भूल करके भी मांसाहार और किसी प्रकार के दुर्व्यसन से आपको दूर रहना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये महीना अच्छा बीते तो बिल्कुल तामसी भोजन से, तामसी खान पान से और किसी प्रकार के एडिक्शन से अपने आप को बिल्कुल दूर रखें और उगते हुए सूर्य को जल दें। कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र का जप करें, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सकते हैं वो अच्छा है, लेकिन सूर्य को अर्घ देना, गायत्री मंत्र करना, ये आपके लिए आवश्यक है। और कहीं घर से निकलते समय अगर आपके पिता हैं और किसी उद्देश्य से आप निकल रहे हैं तो पिता का चरण छू करके ही घर से निकलें, आपको सफलता मिलेगी। जय माँ विंध्यवासिनी। दर्शन 24 यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।